अपनी तीन सूत्री मांगों को लेकर रसोईया कार्यकर्ती कल्याण समिति के प्रदेश अध्यक्ष राम ललित वर्मा के नेतृत्व में बुधवार को नगर निगम के रानी लक्ष्मीबाई पार्क में एक दिवसीय धरना दिया। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, हमारी मांग है कि पाल व्यवस्था और ठेकेदारी प्रथा समाप्त हो, अक्षय पात्र संस्था को अन्यत्र पिछड़े किसी अन्य जिले में भेजा जाए ताकि जिले की गरीब रसोईया माताओं बहनों को रोजी रोटी बरकरार रहे और बढ़े हुए मानदेय का लाभ इन्हें मिल सके। इस अवसर पर धरने में रामवृक्ष यादव, गीता देवी, ज्ञानमती, नंदिनी, पूनम, राधिका, बबीता, जसोदा सहित भारी संख्या में रसोईया शामिल हुई। गोरखपुर में संवाददाता से बात करते हुए रसोईया कार्यकर्ती कल्याण समिति के प्रदेश अध्यक्ष राम ललित वर्मा ने कहा, एकता जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, अभी तो ये अंगड़ाई है, रसोईया एकता जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, हमारा मानदेय क्लियर करो, हमारा मानदेय सही सही बताओ, रसोईया एकता जिंदाबाद, हमारी शक्ति जिंदाबाद। राम ललित वर्मा, प्रदेश अध्यक्ष, रसोईया कार्यकर्ती कल्याण समिति, उत्तर प्रदेश। क्या दिक्कत हम लोग क्या रही है? दिक्कत हम लोग का यह है कि मान लीजिए अच्छा पात्रा से यदि भोजन बनवाया जाता है तो रसोईया जो हमारी कार्य कर रही है उनको निकाल दिया जाएगा और संस्था के माध्यम से हर विद्यालय भोजन बनाया जाएगा, तो शासन द्वारा जो मानदेय रसोइयों को बढ़ाया गया है वो मानदेय का लाभ जो है हम रसोईया माता बहनों को नहीं मिल पाएगा। ठेकेदारी प्रथा कमीशन खोरी में ये चला जाएगा जिससे सारी रसोईया की, हमारी माताओं बहनों की जो है रोजी रोटी छिन जाएगी, इसलिए इसका हम घोर निंदा करते हैं।